पिछले 5 साल में रजिस्टर हुए 14 लाख से ज़्यादा ट्रेडमार्क, 75 साल में सिर्फ 11 लाख हुए थे। जानिए क्यों रजिस्टर करना पड़ता है ट्रेडमार्क और आप भी कैसे ये कर सकते, क्या ये पूरी बात जानते हैं। खरीदारी करते हुए आपने नोटिस किया होगा कि कई ब्रांड्स के नाम के ऊपर टीएम लिखा होता है। टीएम दरअसल ट्रेडमार्क का शॉर्ट फॉर्म है। टीएम का निशान ऐसे कोई नहीं लगा सकता, इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जो कि एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है। पिछले 5 साल में 14 लाख से ज़्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर हुए हैं जो कि 1940 से 2015 के बीच हुए रजिस्ट्रेशन से भी ज़्यादा है। आइए जानते हैं कि ट्रेडमार्क क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी की वजह क्या है और उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, वो डिटेल में देखते हैं। ट्रेडमार्क क्या है? किसी प्रोडक्ट की अलग पहचान उसका ट्रेडमार्क कहलाती है। ये प्रोडक्ट का नाम, डिज़ाइन, कलर और पैकिंग का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के मुताबिक ट्रेडमार्क का मतलब एक ग्राफिकल पहचान है जो किसी सामान या सर्विस को अन्य से अलग दिखाने में सक्षम हो। ये वर्ड मार्क, लोगो या इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ट्रेडमार्क भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है तो इसका इस्तेमाल आपके मर्जी के बिना कोई नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क से ब्रांड को एक विश्वसनीयता भी मिलती है। आमतौर पर सभी बिजनेस और स्टार्टअप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं। शाहरुख खान ने तो अपने नाम का ट्रेडमार्क करवा रखा है। सबसे बड़ी बात, पिछले 5 साल में ट्रेडमार्क बढ़ोतरी की वजह क्या है वो अब देखते हैं। नए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को एग्जामिन करने का टाइम है वो 13 महीने से घटकर 1 महीने रह गया है। पहले एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के प्रोसेस में 3 से 5 साल लग जाते थे जो अब करीब 6 महीने में हो जाता है। इसके अलावा पहले स्टेज में सिर्फ 7% एप्लीकेशन ही स्वीकार किए जाते थे जो अब बढ़कर 50% तक बढ़ गया है। और पिछले 5 साल में 14 लाख से ज़्यादा नए ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के पीछे 3 सबसे बड़ी वजह है। पहला, डिजिटाइजेशन। शुरुआती स्टेज में ज़्यादा एप्लीकेशन रजिस्टर होने की बड़ी वजह डिजिटाइजेशन है। जब डेटाबेस प्रॉपर होता है तो ट्रेडमार्क सर्च करना भी आसान हो जाता है। अब सब कुछ ऑनलाइन है और कुछ क्लिक में एक जैसे दिखने वाले ट्रेडमार्क्स सामने आ जाते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन की संख्या भी अब ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरा, मैन पावर। ट्रेडमार्क के एग्जामिनेशन के लिए पिछले 4 साल में 300 से ज़्यादा लोग नौकरी पर रखे गए हैं। जाहिर सी बात है, अगर 10 लोग 10 काम कर रहे थे तो 100 लोगों से 100 काम करवाए जा सकते हैं। और तीसरा, नए प्रावधान। 2017 में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कई सुधार किए गए, जैसे फॉर्म्स की संख्या 74 से घटाकर 8 कर दी गई है। स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल्स और छोटे कारोबार के लिए छूट का प्रावधान किया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाई की अनुमति दी गई है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है? ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और ट्रेडमार्क रूल्स 2017 के मुताबिक ट्रेडमार्क रजिस्टर किए जाते हैं। भारत में ट्रेडमार्क रजिस्टर करने की प्रोसेस कुछ इस तरह से है। सबसे पहले एक ट्रेडमार्क चुनिए, ये ट्रेडमार्क यूनिक होना चाहिए। अगर पहले किसी ट्रेडमार्क से ये मेल खा रहा है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस के लिए ipindiaonline.gov.in पर जाना होगा। ऑफलाइन प्रोसेस के लिए जिले के ट्रेडमार्क ऑफिस पर जाना होगा। वहाँ पर आपसे कई तरह के दस्तावेज मांगे जाएंगे जिनमें आपकी पहचान, पता, लोगो या डिज़ाइन की कॉपी शामिल है। एक बार ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन के बाद एक रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर रिपोर्ट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो एप्लीकेशन आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ाया जाता है। बाद में आपके इस आवेदन को ट्रेडमार्क जनरल में पब्लिश किया जाता है। कोई भी व्यक्ति 4 महीने तक इस ट्रेडमार्क के खिलाफ ऑब्जेक्शन दायर कर सकता है। अगर 4 महीने तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो 3 हफ्ते के अंदर
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो आवेदक को 1 महीने के अंदर अपना जवाब दायर करना होता है। तो यही था कि पिछले 5 साल में कैसे बढ़ गए इतने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और उनका क्या है प्रोसेस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जिन दोस्तों को पता नहीं उनमें शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।